was wondering कि आपने उन चार पांच आदमियों की मदद क्यों ली? मतलब? अरे मतलब आप तो ग्रेट पार्वती हैं, आप तो बिना मेडिकल नॉलेज के सर्जरी कर लेती हैं, मरे हुए इंसान को जिंदा कर देती हैं। तो जब मुझे पता चला कि पार्वती आई है मुझे बचाने, मुझे लगा अभी आपके पर निकल आएंगे, आप यहां से उड़ के सीधा वैली की तरफ जाएंगी, एक हाथ में मुझे और एक हाथ में जॉनी को उठा के ले आएंगी, और बाई चांस अगर मैं गिर जाता और मुझे कुछ हो जाता यू नो, तो आप अपना वो तंत्र एंड मंत्र करके मुझे जिंदा कर देती। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि मुझे ये बकवास नहीं सुननी। बकवास काम करेंगी तो बकवास ही सुननी पड़ेगी ना। दिमाग दिमाग खराब है, चोट लगी है दिमाग पे, जाओ इलाज करवाओ। Exactly, finally you realize कि मुझे भी चोट लग सकती है। Okay, bye. ये अकेलापन आपको सूट करता है, अकेले ही रहो। खलुस कहीं का पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। क्या हुआ? पार्वती द सर्जन पार्वती द मैकेनिक नहीं बनेगी? सर देखिए इस अजीब इंसान को, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ पर आकर मेरी मदद नहीं करेगा। वहां खड़ा हुआ है एक टूथपेस्ट के एड के मॉडल की तरह। फोन बंद है, कैब कैसे बुलाऊं? घुमाओ घुमाओ चाबी। मदद तो मांगनी पड़ेगी। मदद माय फुट, मैं अकेले इस गाड़ी को धक्का मार के ले जाऊं, लेकिन इससे मदद कभी बिल्कुल नहीं। माता रानी प्लीज प्लीज, आज बहुत बुरी फंस गई हूँ, प्लीज मेरी गाड़ी स्टार्ट करवा दो प्लीज माता रानी प्लीज। हेलो, ये कोई टीवी सीरियल नहीं है कि तुम ऐसे प्रे करोगी और फिर चाबी घुमाओगी और गाड़ी फट से स्टार्ट हो जाएगी? थैंक यू माता रानी, आई लव यू, थैंक यू। मेबी इट वर्क्स, कम ऑन ट्राई। माता रानी प्लीज मेरा फोन एक बार स्टार्ट कर दीजिए, आई हैव टू कॉल अ कैब। डॉक्टर सर्जन बाय, हैव अ लवली इवनिंग। वैसे अगर मुझे कोई ऑटो रिक्शा दिखा ना तो मैं आपके लिए जरूर भेज दूंगी। बाय बाय। लिसन, मेरा फोन ऑफ है, देखिए। सो ड्राइवर भी नहीं है, आप मुझे कैब तक ड्रॉप कर दीजिए, आप तो पार्वती देवी हैं, भगवान की फेवरेट। आई मीन वो सुनते हैं ना आपकी। प्लीज बोलो। क्या हुआ? सर्जरीज करते करते मैनर्स भूल गए? कोई बात नहीं, आप अकेले में आराम कीजिए, मैं रिक्शा भेज दूंगी। ओके बाय। प्लीज 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 मुझे कैब तक ड्रॉप कर दीजिए पार्वती जी। ओके, आप तो सबकी प्यारी हैं, जग में न्यारी हैं, यू आर लाइक डेमी गॉडेस, सो काइंड सो लविंग, बेस्ट एक्ट्रेस एंड और बोलना नहीं बहुत है, आओ बैठो। ओ हेलो, पीछे मालिक बैठते, क्या हो?
सीट बेल्ट प्लीज। सो डॉक्टर, डॉक्टर सर्जन। रोहित काफी है। ओके आप पंजाबी हैं? सिंधी, रोहित सिप्पी। बट सिप्पी इज अ कॉमन सरनेम। ओह ओके दादो सुठो वड़ी साईं। वो सिंधियों पे एक जोक है ना, क्या था वो? हाँ, अगर सिंधी और सांप जंगल में दिख जाएं तो पहले किसको मारोगे, सिंधी को या सांप को? काफी नया जोक है, है ना? आपने लिखा? तो सुना है आपने ये जोक? सुन सुन के ही बड़ा हुआ हूं। कहाँ रहती हैं आप? गोरेगांव। Where is that? मतलब? मतलब मुझे पता है सबर्ब्स में है ना कहीं पे। एक मिनट, सीरियसली आपको नहीं पता कि गोरेगांव कहाँ है? मैं मलाबार हिल में रहता हूँ, तो बांद्रा के आगे सब कुछ आउटस्टेशन है। हाँ आई हूँ मैं एक दो बार आपके मलाबार हिल। Really? वीजा कैसे मिला आपको? आपकी आपकी गाड़ी कहाँ है? आज गाड़ी नहीं लाए है ना? गाड़ी है ना? गाड़ियाँ है, बड़ी छोटी लंबी हर कलर में। लेकिन आज टाइम अकेले स्पेंड करना चाह रहा था, सो आई टुक अ कैब। अकेले स्पेंड करना था तो खुद ड्राइव करके भी तो आ सकते थे ना, अकेले गाड़ी लेके। मुझे ड्राइविंग नहीं आती। सॉरी? नहीं आती ड्राइविंग मुझे। Seriously? I mean, इतने बड़े सर्जन हो और ड्राइविंग नहीं आती? Exactly. मेडिसिन की पढ़ाई करने में टाइम नहीं मिला ड्राइविंग सीखने का, so sorry. लेकिन ड्राइविंग तो इतनी बेसिक चीज है, like, I feel हर किसी को ड्राइविंग तो आनी ही चाहिए। अब मुझे देखिए, 18 साल की उम्र से गाड़ी चला रही हूँ। Really? Yeah. Wow. है ना? Wonderful. तब तो पूरी अर्थ का एक चक्कर लगा लिया होगा ना आपने? वेरी फनी। और वैसे भी लाइफ में सबको हर चीज आए ये जरूरी नहीं। आपको सर्जरी आती है? हाँ आती है ना, अभी पिछले हफ्ते की तो बात है, अपने पति की ओपन हार्ट सर्जरी की थी, भूल गए? रियल लाइफ मैम, रियल लाइफ। एनीवे आप अपनी ग्रेट ड्राइविंग पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए प्लीज। कभी मेकअप कर रही हैं, पानी पी रही हैं। सो काम डाउन। बट यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है मतलब अभी भी आपके पास वक्त है, अगर आप चाहो ना तो ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करो, आप अब भी सीख जाओगे। अरे इट्स वेरी इजी, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। देखो ये स्टीयरिंग, I promise. अगर आप 10 मिनट के लिए अपना मुंह बंद रखेंगी तो मैं ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर लूंगा और ड्राइवर बन जाऊंगा। शांति की तलाश में आया था मैं। शांति की तलाश में आया था मैं? शांति की तलाश में या क्रांति की? बड़ा खड़ूस है ना।